हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर के उप प्रधान के घर पर हमला, पहले की बहस फिर हाथापाई। उप प्रधान छोटू सिंह के घर पर हमला, पहले की बहस फिर हाथापाई। उप प्रधान के घर पर हमला, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के करीबी उप प्रधान छोटू सिंह के घर पर हमला, देर रात की बहस फिर की हाथापाई। बाड़मेर थार नगरी जिला मुख्यालय में बाड़मेर ग्रामीण के उप प्रधान छोटू सिंह के घर पर कुछ लोगों ने बहस कर फिर हमला किया। कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन के करीबी और उप प्रधान छोटू सिंह के घर पर रविवार रात्रि में हमला हो गया था, जिसमें उप प्रधान और उनके दोनों भाइयों को चोट लगी थी, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दी गई थी, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन के करीबी और उप प्रधान छोटू सिंह के घर पर रविवार रात्रि में हमला हो गया था, जिसमें उप प्रधान और उनके दोनों भाइयों को चोट लगी थी, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दी गई थी, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में उप प्रधान छोटू सिंह की ओर से सदर थाने में रिपोर्ट दी गई है, जिसमें करीब 2 दर्जन नामजद आरोपी बताए गए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर किसी टिप्पणी को लेकर ये पूरी घटना घटित हुई है। अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं उप प्रधान छोटू सिंह का कहना है कि पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे, नहीं तो इस मामले में मेरे समर्थक प्रदर्शन करेंगे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए छोटू सिंह उप प्रधान ग्रामीण बाड़मेर, इन्होंने ये कहा। छोटू जी, क्या पूरा मामला था? कुछ लोगों ने हमला किया है, क्या पूरी घटना थी? 8:30 करीब मेरे बड़े भाई साहब बिजली घर में, नरेंद्र सिंह जी बाहर खड़े थे घर के बाहर, और मैं भी गली में था और मेरे बड़े भाई साहब वॉक कर रहे थे पूंछ सिंह जी खाना खा के। तो विजय सिंह नामक युवक मेरे जो पड़ोस में रहता है, ठीक, वो आया और भाई साहब से बहस करने लगा, आप मेरे गालियाँ दी, आपने मेरे गान। तो उसने भाई साहब को उसमें बहसबाजी में अट्ठापाई स्टार्ट कर दी। तो उसके पीछे उसके दो भाई आए, विजय सिंह का एक छोटा भाई रेवंत सिंह और उसका एक और परिवार के सदस्य राजू सिंह, और उसके बाद उसके गैंग के कोई 20-25 लड़के आए और उन्होंने एक जो कि भाई साहब नरेंद्र सिंह पर हमला किया। किसी पीछे कूप सिंह जी जॉगिंग करे थे, एक बीच में आए तो कूप सिंह जी के भी लाते और डुके मारे, मैं एक बीच में गया, मेरे भी साथ भी अट्ठापाई हुई, मेरे चोट नहीं आई थी ज़्यादा, बस लगी थोड़ी अट्ठापाई लगी। कूप सिंह जी के उन्होंने डुके मारे तो कूप सिंह जी अभी हमें सी टी स्कैन कराया है, तो उनके अंदर से हल्का सा मांस फटा हुआ है कूप सिंह जी का और एडमिट है अभी, और नरेंद्र सिंह के भी हाथ में फ्रैक्चर शायद है जो उनका किया है, अभी तो पट्टी गई हुई है, सुबह वापस प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद अभी उनको भी एडमिट किया है, तो दोनों भाइयों को एडमिट किया है। मेरा यही कहना है कि जब मैं उप प्रधान बाड़मेर ग्रामीण का सरकार का एक हिस्सा होते हुए मेरे घर पर ऐसे असामाजिक तत्व हमला कर रहे हैं, एक एकजुट होके एक राय होके, तो आम जन क्या उम्मीद करेगी सरकार से और प्रशासन से? इसके पीछे क्या वजह रीजन कोई वजह नहीं, वो कह रहे हैं आपने हमें गाली निकाली, बस एक ही बात कह रहे हैं, हमें गाली निकाली नरेंद्र सिंह ने, तो गाली निकाली थी तो आप उसके घर पे जाके हमला कर दोगे, उसको मार दोगे, हम खत्म कर देंगे। फिर आपने मामला दर्ज करवाया पुलिस, हमने सदर थाने में मामला दर्ज कराया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।